अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखना चाहेंगे। जी हाँ, बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर, क्या अपडेट है। तो चलिए पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं dlitresult.com वेबसाइट पर क्या अपडेट है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर रिजल्ट की अपडेट को देखेंगे, लेकिन कुछ और अपडेट्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए 743 बच्चे फिलहाल लगातार ऑनलाइन है। इसको रिफ्रेश करते हैं, 726 हो गए। तो यहाँ पर अगर हम DLED 2023, ठीक है, और इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसका जो लिंक है। और आते हैं इस वेबसाइट पर, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जो अंतिम रिजल्ट अपडेट हुआ है वो जनवरी 2024 का है। मतलब अगस्त का हमें रिजल्ट देखना है, तो अभी वो रिजल्ट यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा है। तो अभी और कितना समय लग सकता है, लगातार इंतजार बच्चे करते करते थक चुके हैं। जी हाँ, दीपावली के बाद रिजल्ट आने की बात रखी गई थी, दिवाली बीत गई है, रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है। जी हाँ, कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, तो अब क्यों देरी हो रही है। ठीक है, सबके मन में एक ही सवाल है। देखिए, जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो उस समय बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट इनकम्प्लीट हो जाता है। या तो आपका रिजल्ट का स्टेटस पास दिखेगा, या तो फेल दिखेगा, या तो तीसरी कंडीशन आती है इनकम्प्लीट की। इनकम्प्लीट वाली कंडीशन ना हो, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया जाता है। आपको बता दें, रिजल्ट देखते समय आपको सिर्फ एक कोडिंग देखनी, डी वाली। अगर डी आपके में कोई भी ग्रेड मिलता है, कहीं पर भी ग्रेड अगर आपको डी दिख गया, तो इसका मतलब होगा आप उस सब्जेक्ट में या उस प्रैक्टिकल में फेल माने जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट का स्टेटस फेल है, क्यों फेल है, देख सकते हैं यहाँ पर डी। ये देखिए एक दिख रहा है ना, गणित के विषय में 7 नंबर है 25 में से, जो कि फेल होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया जो ये डी वाला है ना, ये नहीं आना चाहिए आपके रिजल्ट में। अगर गलती से भी अगर आपको कहीं पर ग्रेडिंग डी मिल गई, तो आप उसमें फेल हैं। तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में आते हैं। एक बात और, अगर आप एक सिंगल सब्जेक्ट में भी अगर आपकी बैक लग गई, तो आपका पूरा जो रिजल्ट का परीक्षा फल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर पास या फेल, उसी पर डिपेंड करेगा। देख सकते हैं इस बच्चे का भाई, हर विषय में एक्सटर्नल में 40, 33, 17, 39, 12, 17 ये नंबर आप देख सकते हैं। बाकी किसी भी विषय में और बैक नहीं लगी, सिर्फ सिंगल विषय में बैक है 7 नंबर के साथ, और उस वजह से यहाँ पर रिजल्ट का स्टेटस फेल हो गया। समझ सकते हैं आप लोग, तो एक छोटी सी गलती और पूरा रिजल्ट फेल में तब्दील होगा। देख सकते हैं पीएनपी के ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, और सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा रेट सीट पर भी थोड़ा सी नजर डालिएगा, सेकेंड और फोर्थ। आपके मन में एक और सवाल था कि सर क्या अभी जब हमारा पेपर होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ का पेपर एक साथ होगा कि अलग अलग होगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना भी पड़ेगा। ठीक है, अगर पेपर एक साथ हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। अगर किसी भी बच्चे की मान लीजिए बैक वैक लग गई है, कहीं से भी कुछ भी हुआ है, तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चे बैक क्लियर कर सकते हैं और आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। अगर अलग अलग पेपर कराया जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो फिलहाल रिजल्ट मैक्सिमम टाइम रात में ही आता, तो वीडियो अगर रात में देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाते जाते लिंक देंगे और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक देते हुए जाएंगे। आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचा पाए। द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट सीट एग्जाम आपका दिसंबर में जा सकता है। जी हाँ, और यूपी में जो स्कूल देख रहे हैं 27,000, जिसको पहले कहा जा रहा था बंद किया जाएगा, बाद में कहा जा रहा मर्ज किया जाएगा, ठीक है, तो कुल मिला के कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या ही बताएं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा वो 27,000 स्कूल जो है ना, अगर ये बंद होते हैं तो आपको बहुत तगड़ा झटका लगेगा, बड़ी वैकेंसियां रुक जाएंगी। चलिए, परसेंटेज कैसे निकालना है, सिंपल सी बात है, जब आप रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, प्राप्तांक में आके लिखित और आंतरिक टोटल नंबर को ऐड करके उसको 8 से भाग कर देंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।